नमस्ते। एक कहावत है जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि रोपिएगा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाइएगा। जी हाँ, अगर आप कांटेदार पेड़ रोप रहे हैं तो आपको जो है कांटा ही नसीब होगा, ना कि आपको उसमें से मीठा और स्वादिष्ट फल मिलेंगे। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी का गाना आया हुआ था जिस गाने का बोल था कि चाची का बाची जो है वो सपनवा में आती है। जी हाँ, गाने का बोल आप लोग पूरा तरीके से समझ गए होंगे और गाने का अर्थ क्या है ये भी समझ गए होंगे। अब इस पे उनका राइटर जो है वो कहना ये चाहते हैं कि हमने कोई अश्लीलता नहीं लिखा है और ना ही कोई अश्लील गवाए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हमको एक बात हम पूछना चाहते हैं कि चाची का बाची यानी कि चाची जिसको हम बोलते हैं उसका बेटी अगर है तो उसको हम लोग बहन मानते हैं। अब इस पे राइटर साहब का तर्क ये है कि हम लोग जो है गर्लफ्रेंड की माँ को आंटी नहीं बोलते हैं, तो भैया हम लोग आंटी बोलते हैं, चाची नहीं बोलते हैं। और आंटी शायद से हम लोग को लगता नहीं है कि इंडिया में बोला जाता है और ऊपर से बिहार में बोला जाता है, समझे। ये तो अमेरिका इंग्लैंड फॉरनर कंट्री में बोले जाते हैं, हम लोग का कंट्री में तो शायद ही बहुत कम लोग बोलते हैं और बोलते भी हैं तो आंटी बोलते हैं। तो अगर आपको इतना ही पता था तो आंटी कर देते ना, चाची क्यों किए? क्योंकि चाची का बेटी तो हम लोग बहन मानते हैं और आप भी मान रहे होंगे, अगर नहीं मान रहे होंगे तो पता नहीं आपका कौन सा लॉजिक है। अब चलिए, इतना अश्लील शब्दों का प्रयोग करके ये गाना लिखा गया, हालांकि गाना फ्लॉप हो गया है शायद से, मैंने देखा नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इस पे जो है एक और आज जो है रोहतास म्यूजिक पे एक गाना रिलीज हुआ है जिसको गाए हैं पंकज सिंह और संगीत भी पंकज सिंह का ही है और उसका बोल है कि खेसरिया का बेटी सपनवा में आती है। अब बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने बहुत गलत काम किया। डायरेक्टली मैं कहूं तो सुमित जी, आपसे ये उम्मीद कभी नहीं था कि आप एक जो है छोटे सिंगर का मतलब कि सपोर्ट नहीं करिएगा और बड़े सिंगर का पक्ष लीजिएगा। आप जब पवन सिंह के बारे में बुराई करते थे तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये बंदा पर्सनल आदमी को टारगेट कर रहा है, लेकिन आपका काम मुझे ना 4-5 दिन से बहुत अच्छे काम लग रहे थे। आपने ऐसा ऐसा चीज काम किया कि मुझे लगा कि नहीं चलो भोजपुरी में ऐसा कोई तो चैनल वाला है, कोई तो आया जो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन आज का वीडियो आपको जब मैंने देखा आपका तो बहुत ज्यादा घृणा हो गया यार। कैसे आप लोग ऐसे सोच सकते हैं? जब आपको बोलने का टाइम आता है खेसारी लाल यादव के तब तो आप नहीं बोलते हैं। आपने कल तो वीडियो नहीं बना के बोला कि हाँ आपका गाना अश्लील है। हाँ वो बात अलग है कि आपने उसका राइटर का इंटरव्यू लिया, लेकिन आपने तो कभी नहीं बोला, आप कभी विरोध किए उस गाने को नहीं किए। अगर वो गाना अश्लील नहीं है तो ये गाना भी अश्लील नहीं है। आप कह रहे हैं कि खेसारी जी का बेटी आपकी बहन लगेगी, तो चाची का बेटी भी तो बहन लगेगी। आपका लॉजिक हमें समझ में नहीं आया। इसलिए अगर बड़े लोग गलत कर रहे हैं तो छोटे लोग वही करेंगे, देख के ही करते हैं, हम हो या आप हो देखकर ही सीखते हैं। और जब बड़े लोग ही ऐसा काम करें तो छोटा क्यों नहीं करेगा? खेसारी जी का तो बहुत बड़ा स्टेडियम हो चुका है, उनका यूट्यूबर चमचे लोग ये भी कहते हैं कि नंबर वन है, तो फिर उनको ये सब काम करते हुए शोभा दे रहा है तो एक छोटे से सिंगर को क्यों नहीं शोभा दे रहा है? उनको तो 4-5 हजार लोग ही देखेंगे सुनेंगे, तो वो अपना स्टार्डम पाने के लिए क्यों नहीं ऐसा काम करेगा? उसको भी तो आना है, या जिंदगी भर मेहनत करते रहे। अगर बड़े लोग अश्लील गाएंगे तो छोटे लोग साफ सुथरा गाएंगे तो क्या वो चमक जाएंगे? कभी नहीं चमकेंगे। तो प्लीज कुछ सोच लिया करो यार आप लोग भी, और तब बनाओ वीडियो। हर किसी का सपोर्ट करो, और अगर आप लोग को विरोध करना है तो दम है तो करिए, आप किसी का चमचाई मत करिए। चाची का बाची सपनवा में आती है, वाह वाह सुपर क्लास गाना हो गया, और खेसरिया का बेटी सपनवा में आती है, वाह वाह बहुत अश्लील हो गया। कैसे ना, मतलब कैसे? तो अश्लील दोनों गाने हैं, अगर एक का बोलने का दमखम रखते हैं तो दूसरा कब बोलिए, वरना किसी के बारे में आप वीडियो ही नहीं बनाइए। मेरा कहना यही है, जैसे मैंने कल नहीं बनाया था, मैं सोचा क्या इसका हर एक गाना तो अश्लील ही आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।